फोल्डेबल बाइक्स काफ़ी टाइम से मार्केट में अवेलेबल है और हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो फोल्डेबल बाइक्स बनाती है। उन्हीं में से आज मैं एक बाइक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है पॉलीगन अर्बानो 3। ये पॉलीगन के तरफ से उनकी एक फोल्डेबल बाइक है जो इंडिया में अवेलेबल है। तो आज हम करने वाले हैं इसका एक राइड और मैं दूंगा इसको आपका एक पूरा रिव्यू। सबसे पहली चीज जो इस बाइक को देख के आपको लगेगा या कोई भी अगर इस बाइक को देखता है तो उसको सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि यार देखो कितनी छोटी सी और कितनी प्यारी सी और क्यूट सी बाइक है ये। ये इतनी छोटी है कि आप इसको अपने घर पे कहीं पे भी एक कोने में रख सकते हो फोल्ड करके, जिससे ये आपके घर में काफ़ी कम जगह लेगी। गाइस अगर बात करें इसके हैंडल बार की तो इसका हैंडल बार बाइक के हिसाब से छोटा रखा गया है, जिससे ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन देता है और हैंडलिंग देता है। यहाँ पे अगर आप गाइस देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एनटीटी का ग्रिप, काफ़ी कंफर्टेबल ग्रिप है ये। ये आपके हैंड के ओवरऑल पोजीशन को काफ़ी कंफर्टेबल रखता है। 7-speed रेवो शिफ्टर्स इसमें आपको शिमानो के तरफ से मिलते हैं। ये रिस्ट शिफ्टर है जो हमारे पहले की बाइकों में आते थे, बट काफ़ी कंफर्टेबल है इस बाइक के हिसाब से, बिकॉज ये बाइक काफ़ी छोटी है तो उसके हिसाब से ये गियर शिफ्टर इसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। ब्रेक की अगर मैं बात करूँ गाइस तो इसमें आपको मिलता है टेक्टो के वी ब्रेक लीवर्स, जो कि एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग है और टेक्टो की ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है। छोटा हैंडल बार होने के बाद भी इस बाइक की हैंडलिंग काफी लाइट और स्मूथ है। सिटी कम्यूट करने के लिए ये स्मॉल साइज हैंडल बार एंड व्हील सेट परफेक्ट है, क्योंकि ये आपको हेल्प करती है ट्रैफिक के बीच में अपने साइकिल को इजीली निकालने में, जिससे जहां दूसरे लोग ट्रैफिक में फंसे रहेंगे वहीं आप अपनी साइकिल को आराम से पेडल करते हुए निकल जाएंगे। नाउ गाइस इसके हैंडल बार में एक चीज आपने खास देखी होगी, वो है ये सेंटर में लगा हुआ क्विक रिलीज लीवर, जिसकी हेल्प से आप इसको इजीली ओपन करके आप अपने हैंडल बार की पोजीशन अपने अकॉर्डिंग पूरा चेंज कर सकते हो। बार पोजीशन हो जाने के बाद आप इसको वापस लॉक कर दो, जिससे ये आपके उसी पोजीशन में बना रहेगा और सिक्योरली टाइट रहेगा। नाउ गाइस हैंडल बार के साथ ही इस बाइक की एक खासियत और भी है, इसमें लगा हुआ है एक और क्विक रिलीज लीवर, जिसको आप इस तरह से ओपन करके आप हैंडल बार की पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। 20 इंचेस के डबल वॉल्ड एलॉय व्हील सेट और कैंडा टायर्स के साथ ये बाइक आपको मिलती है। इवन दो टायर्स नॉर्मल बाइक के अगेंस्ट काफी छोटे हैं, पर इससे इस साइकिल को राइड करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी कम नहीं होता, बिकॉज आप इस बाइक को बड़े ही आराम से एक अच्छे स्पीड में राइड कर सकते हो। नाउ गाइस पूरे हैंडल बार के असेंबली में एक और इम्पोर्टेंट जो इस बाइक के अंदर आपको पार्ट मिल जाता है, वो है हेडसेट के पास लगा हुआ ये लॉक एंड लैच, जिसको आप बहुत इजीली ऐसे ओपन करके अपने हैंडल बार को पूरा इस तरीके से आप फोल्ड करके रख सकते हो, जिससे देखिए ये बाइक और भी छोटी हो गई है और आपके घर में ये बहुत कम स्पेस लेगी कहीं पे स्टोर करने में। नाउ गाइस बात करते हैं यार इसके फ्रेम की, तो पॉलीगन अर्बानो का जो पूरा फ्रेम है ये बना हुआ है एल्यूमिनियम एलॉय का, काफ़ी लाइट वेट एल्यूमिनियम एलॉय है ये। और इसके मिडिल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लॉक एंड लैच सिस्टम मिलता है, जिससे आप इस फ्रेम को भी पूरी तरीके से फोल्ड कर सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पे लगे हुए इस छोटे से लॉक को कुछ इस तरीके से स्लाइड कीजिए एंड देन इसके लीवर को पकड़ के आप इसको बाहर की तरफ निकाल दीजिए। इस तरीके से आप रिलीज करके अपनी बाइक को पूरे तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। वही एक बार क्विक रिलीज लीवर सी स्टे से निकालने के बाद आप इसके सैडल को पूरा अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और वापस इसको लॉक कर दो, जिससे एक लंबे हाइट का राइडर भी इसको बहुत इजीली राइड कर सकता है। राइडर्स के अकॉर्डिंग सीट हाइट एडजस्ट करके आप इस बाइक को किसी भी नॉर्मल बाइक के तरह यूज कर सकते हो एंड आपके लेग्स पर भी प्रेशर कम पड़ता है कम्पेयर टू अदर स्मॉल बाइक्स जिनमें सीट हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो गाइस इस बाइक में आपको पहले से ही कैरियर पूरा लगा हुआ मिलता है, ये स्टील का पूरा कैरियर है, जिससे आप अपने साथ इस बाइक के ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा सामान कैरी करके ले जा सकते हो जब आप इस पर कम्यूट कर रहे हो। एक और खास चीज़ जो मुझे इस कैरियर के साथ लगी वो है इसमें लगे हुए ये एडजस्टेबल स्ट्रैप्स, आप बहुत इजीली इस तरीके से नीचे पुश करके आप निकाल सकते हो और अपने साथ लाए हुए सामान को आप इसमें लॉक करने के बाद आप वापस इसको उसकी पोजिशन पर लगा के इसको सिक्योर कर सकते हो। तो गाइस अगर बात करूँ मैं इसके गियरिंग की तो इसमें आपको मिलता है 7-speed शिमानो का फ्री व्हील, जिसके साथ लगा हुआ है शिमानो टीजी का डेरेला।
टेस्ट के दौरान गियर शिफ्टिंग काफी एक्यूरेट लगी। इवन एट स्लो स्पीड गियर प्रिसाइसली शिफ्ट हुए एंड रिस्ट शिफ्टर फेल्ट इजी टू यूज। वन बाय सेवन स्पीड होने के वजह से आपको काफी गियरिंग रेंज मिल जाता है एंड थैंक्स टू द बिगर चेनरिंग ऑन दिस बाइक आपको कम पेडलिंग में ही ज्यादा स्पीड मिल पाती है टू कंपनसेट फॉर द स्मॉलर व्हील सेट। नाउ गाइस, बहुत जल्द दिल्ली और बाकी बचे हुए शहरों में भी इस तरीके की साइकिल्स अलाउड हो जाएंगी अपने साथ मेट्रो में कैरी करने में, जिससे आप इन तरीके के साइकिल्स को मेट्रो में ले जा सकते हो और लास्ट बचे हुए कुछ डिस्टेंस को आप ऐसी बाइकों से कवर कर सकते हो जिससे आपको कम्यूट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फोल्डेबल साइकिल होने की वजह से ये इजीली मेट्रो कोच में कैरी की जा सकती है और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद आप इसको नॉर्मल साइकिल जैसे राइड करके कम्यूट कर सकते हो। पॉलीगन अर्बानो 3 अभी अवेलेबल है मार्केट में 29,000 इंडियन रुपीस के अंदर। बाइक के ओवरऑल यूसेज को देखते हुए और कितनी आसानी से हम इसको कैरी कर सकते हैं उसको देखते हुए प्राइस जस्टिफाइबल लगी। आई बिलीव कि अगर ब्रांड इसका प्राइस थोड़ा सा कम कर देगा तो ये बाइक एक प्रेफर्ड चॉइस होगी उन सभी राइडर्स के लिए जो ऐसी बाइकों को अपने साथ मेट्रो में कैरी करना चाहते हैं और कम्यूट करना चाहते हैं। सो गाइज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बाइक? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अंटिल देन, keep pedaling, stay fit, and always smile.